आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसपी का सब सक्सेस पॉइंट पर स्वागत है। देखिए आज की कंस्ट्रक्शन देखिए। एक वर्ग की रचना कीजिए जिसका विकर्ण और एक भुजा का अंतर, विकर्ण और एक भुजा का अंतर कितना हो, 2.5 सेंटीमीटर हो। आपको जो है सभी वर्ग पेंसिल से करना है, पेन से नहीं। मैं आपको पेन से इसलिए समझा रहा हूँ, यदि आप मैं पेंसिल से समझाने लगा तो वीडियो में सही से दिखाई नहीं देगा। तो आपको सारा वर्क जो है HB और 2B की पेंसिल से करना है। तो देखिए पहले आप जो है 2.5 सेंटीमीटर खींच लीजिए, जो भुजाओं का और विकर्ण का अंतर दिया हुआ है ये हो जाएगा आपका 2.5। इसको मान लीजिए कुछ भी AP और P पर 90 डिग्री का एंगल बनाइए, P पर 90 डिग्री का एंगल बनाइए। आपको पता है पहली वीडियो में बता चुके, बेसिक वही है आपका, सारा कुछ उसी से होना है, कुछ भी नया नहीं है। ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए लाइन खींच दीजिए डॉटेड, और इस पर भी आप जो है 2.5 सेंटीमीटर काट लीजिए। ये हो जाएगा आपका 2.5 सेंटीमीटर। ए को इस पॉइंट से मिलाइए और इसको आपको आगे तक बढ़ाना है। ये दूरी भर लीजिए प्रकार में और इतना ही आगे काट लीजिए। ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेके इतना ही आपको आगे काटना है। इसको आगे बढ़ा लीजिए थोड़ा और, आपको ओवर राइट नहीं करना है। जहाँ को आपने एक बार लाइन खींची वहाँ पर दो बार ऐसे लाइन नहीं खींचनी। इसको मान लीजिए B। अब इसको आगे बढ़ाइए इस लाइन को, अब ये दूरी भर लीजिए आप A से B तक। यहाँ से चाप लगाइए B से, इस लाइन पर कहीं इंटरसेक्ट करेगा ये चाप। A से चाप लगाइए और जो यहाँ पर ये पॉइंट आया है ध्यान से देखिए, ये पॉइंट आया प्रकार की नोक आपने आपको सही प्रकार से रखनी है। इस प्रकार से आपको ये चाप लगाना, इनको मिला दीजिए, आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा। इसको इससे मिलाइए, A को इस पॉइंट से मिलाइए और इधर इसको मिलाइए। इस प्रकार से आपका वर्ग तैयार हो जाता है ABCD। दोबारा से देखिए जो आपको विकर्ण और भुजा का अंतर दिया है वो खींच लीजिए, 2.5 सेंटीमीटर जो भी दिया है इसको कुछ भी नाम दे दीजिए। AP पर 90 डिग्री का एंगल बनाइए और इस पर भी 2.5 सेंटीमीटर काट लीजिए। इसको भी कुछ नाम दे दीजिए क्यों। अब A और क्यों को मिलाते हुए लाइन को आगे बढ़ाइए और जितनी डिस्टेंस ये है उतनी आगे काट लीजिए, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी आगे काट लीजिए। अब प्रकार में A से B तक की दूरी भर लीजिए, एक चाप B से लगाइए, ये पॉइंट आया यहाँ से लगाइए, फिर A से लगाइए, सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, आपका वर्ग तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, एक वर्ग की रचना कीजिए जिसकी दो भुजाओं और विकर्ण का योग 10 सेंटीमीटर। देखिए आपको किस प्रकार से करना है, बड़ा आसान है। मैं आपको सेट स्क्वायर का यूज़ करना होगा। आप जो है एक भुजा और विकर्ण का योग जो दिया है खींच लीजिए 10 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, क्योंकि इधर एक छोड़ रखा है तो 11 तक 10 हो जाएगा आपका एक। और ये आपको बिंदुदार बनाना है, ये लाइन आपको बिंदुदार बनानी है, ये ध्यान रखना। इसको कुछ भी नाम दे दीजिए, XY PQ कुछ भी। X पर 45 डिग्री का एंगल बनाइए और Y पर 45 का, और फिर उसका हाफ बनाइए, 22.5 22.5 डिग्री का एंगल बनाना है आपको, ध्यान रखना है इस कंस्ट्रक्शन में। तो बनाइए, एक चाप यहाँ से लगाइए,
चाप आपको बारीक और बिंदुदार बताने का, और पिछली वीडियो देखी उसमें बताया गया आपको वर्क किस प्रकार से करना है। ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, लेकिन आपको 22.5 बनाना है, 22.5 बनाना है। तो एक चाप इधर से लगाइए और एक यहाँ से लगाइए, ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। फिर आपको इसका भी हाफ करना है, ये हो जाएगा 22.5। सेम एंगल आपको वाइपर बनाना है, तो आप यहाँ प्रॉपर्टी का यूज कीजिए, एंगल के इक्वल एंगल ड्रा करना। इस पर किसी डिस्टेंस से आर्क लगाइए, इसी डिस्टेंस से ले लीजिए, उसी डिस्टेंस से वाइपर से आर्क लगाइए, आप एंगल के इक्वल एंगल बनाने जा रहे हो। सेम प्रोसेस इधर भी कर सकते हो। इतना काम करने से बचने के लिए आप डायरेक्ट 22.5 22.5 डिग्री का एंगल बना दीजिए। इस एंगल पर किसी दूरी से चाप लगा, उसी दूरी से वाई से लगाया, ये दूरी ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक ही। ध्यान से देखिए कौन सी दूरी लेनी है आपको, ये दूरी भर लीजिए, प्रकार दिखाई दे रहा होगा आपको। इधर से चाप लगा दीजिए और इसको मिला दीजिए, तो हो जाएगा आपका 22.5। इसको कुछ भी नाम दे दीजिए, ए नाम दे दीजिए। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, आपको 45 के पैरेलल लाइन ए से ड्रा करनी, 45 डिग्री के पैरेलल लाइन ए से ड्रा करनी। जो ये लाइन है इसके पैरेलल, इसके समांतर रेखा आपको ए से खींचनी। यहाँ पर सेट स्क्वायर रख लीजिए और दूसरे को इसके पास में रखिए। अब आपको इसको फिक्स रखना है और इसको चलाना है। ये हो जाएगा। अब आप ये दूरी पर कार में भर लीजिए यहाँ से यहाँ तक, इस वाली रेखा पर काट दीजिए और इसी दूरी से आपको नीचे की साइड काटना है। ध्यान से देखिए पेज थोड़ा छोटा पड़ गया है ऐसे, और एक आर्क इधर से लगाइए। ध्यान से देखिए, अब आपको समझना है कैसे करना है। इसको मिला दीजिए, इसको इधर मिला दीजिए और इसको यहाँ पर मिला दीजिए, तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है। दोबारा से देखिए, कोई भी लाइन एक्स वाई खींच लीजिए, आपको डॉटेड बनाना है। हमारे से डॉटेड नहीं बना है, लेकिन आपको ये डॉटेड बनाना है। उसके बाद आपको एक्स पर 22.5 डिग्री का एंगल बनाना है। उसके लिए पहले आपको 90 का बनाना है, फिर उसका हाफ करना है, 45 आ जाएगा, फिर उसका हाफ करना है, 22.5 आ जाएगा। अब एंगल के इक्वल एंगल प्रॉपर्टी से इधर आप 22.5 डिग्री का एंगल इधर बना लीजिए। अब आपको क्या करना है, ये जो आपकी लाइन है इसके पैरेलल ए से ड्रा करना है। सेट स्क्वायर की सहायता से इसके पैरेलल ए से ड्रा कीजिए, ये दूरी भर लीजिए प्रकार में, इधर काट दीजिए, उसी डिस्टेंस से इधर काट दीजिए और उसी डिस्टेंस से यहाँ से इधर, जहाँ पर ये चाप एक दूसरे काटते हैं उनको मिला दीजिए। आपकी कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट हो जाती है। इनके नाम रख दीजिए ए बी सी डी कुछ। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। बाकी आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।